आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लेजी पे लिमिट को आप बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको बता दूँ, अगर आपके पास स्कैन पे और यहाँ पे यूपीआई की सुविधा आपको दिया गया है तो आप आसानी से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आपको ये दोनों सुविधा नहीं मिला है तो आप किस तरह से इस लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करोगे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। स्नैप पे एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को नहीं पता है तो बता दो कि स्नैप पे के द्वारा आप यहाँ पे वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, पे लेटर बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको पहले केवाईसी कर लेना है, तभी यहाँ पे आपको पेमेंट कोई भी विड्रॉल लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे यूटिलिटी पेमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बेनिफिशियरी के सामने आपको ऐड न्यू का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको अकाउंट होल्डर नेम, निक नेम और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, उसका कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के IFSC कोड डाल के आपको सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेव हो जाएगा, आपको इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा। आपको जितना विड्रॉल लगाना है यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है सेम डे भी मिल जाता है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे के अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। इंस्टेंट में आप यहाँ पे 3000 मैक्सिमम एक दिन में कर सकते हो, आपको इंस्टेंट ही पैसे मिलेंगे। T+1 में आपको एक दिन बाद मिलते हैं, T+2 में आपको 2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, T+3 को सिलेक्ट करने पर आपको 3 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव होंगे, और लो को सिलेक्ट करोगे तो 6 दिन बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे T+1 को सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में सबसे वॉलेट पेमेंट 2 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लेजी पे का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे में मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे लेजी पे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको वेरीफाई विथ OTP पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे जो लेजी पे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो मेरा OTP यहाँ पे रिसीव हो चुका है, मैं एंटर करके यहाँ पे कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे मेरा योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल यहाँ पे शो हो चुका है। ये पेमेंट अभी जो यहाँ पे स्नैप पे को रिसीव हुआ है, स्नैप पे मुझे यहाँ पे जो कल जो ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से करके आप भी लेजी पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।